हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। बहरहाल, जो हाल ही में मैंने डिलीट की थी रील्स, जो काफ़ी मतलब अमाउंट में थी, 365 रील्स थे ऑलमोस्ट। तो मैंने वंस टाइम मैंने वो एक साथ मैंने डिलीट कर दिया वो। तो काफ़ी दोस्त वगैरह मैसेज कर रहे थे, रीज़न क्या था इसके पीछे जिसकी वजह से आपने डिलीट की, जो गाने वगैरह थे एकदम से क्वाइट कर दिया आपने, अब भाई उस तरह के रील्स नहीं आ रहे हैं। तो उसके पीछे दो रीज़न्स थे। फर्स्ट, मैं मुस्लिम हूँ, तो और दूसरा, इस्लाम में मना किया गया है हराम म्यूज़िक, ठीक है ना, जैसे आप सभी को पता है। तो अब क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैंने क्वाइट की, रीज़न क्या था, सबसे मेन रीज़न क्या था, ठीक है। तो डे बाय डे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, एक दिन मैं दो चार फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, कभी एक, कभी दो, कभी पाँच बढ़ते जा रहे थे। तो मैंने क्या गौर किया, मैंने एक दो बार मैंने गौर किया, कुछ छोटे बच्चे जो देख के बनाते थे रील्स, मगर वो जो होता है ना नीचे गाना, उसको क्लिक करके बनाते थे, मतलब मेरे को देख के एक दो बच्चे बनाते थे, तो जो कि गलत रास्ते कर जा रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से पहले से मैं सोच रहा था ना, मैं क्वाइट करूँ क्वाइट करूँ, जो होता है ना शैतान दिमाग में घुस जाता है, फिर वो नहीं निकलता है, ठीक है। बहरहाल, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बच्चे जो मुझे देखकर एक दो रील्स बनाते थे, तो रिश्तेदारी में भी एक बच्चा वो भी सीखने लगे हैं, खुदा उसको जल्दी से, ठीक है ना, समझ अपने रास्ते पर लाए। तो बात क्या है, तो डे बड़े फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे और मैं हराम को प्रमोट कर रहा था, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न था मुझे मेरा क्वाइट करने का। मैं हराम म्यूज़िक को प्रमोट कर रहा था, गाने को प्रमोट कर रहा था। इस्लामिक प्रॉफिट मना किया गया है बिल्कुल, तो किसी को चुपती है वो बात, वो तो अलग बात है, तो ये बिल्कुल मना किया गया है इस्लाम में। हाल पता, ये डो डफली है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, वो म्यूज़िक आप यूज़ कर सकते हो उसका म्यूज़िक, बाकी जो है बिल्कुल हराम है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक जो भी है ये हराम है, अल्लाह के जो हमें इंस्ट्रूमेंट या गाना अल्लाह से दूर करे वो बिल्कुल हराम है, ठीक है। इन शॉर्ट, आप ये मान लो डफली से हट के जो इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक है वो बिल्कुल हराम है। और जो मैं उसको प्रमोट कर रहा था, मैं रील्स पर गाना, मतलब जो आप देख रहे होंगे, रील्स बना रहा था, मेरे को दो देख के दो चार और बना रहे थे, वो सबसे बड़ा मेन रीज़न था मेरा क्वाइट होने का। तो काफ़ी बंदे भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, मतलब ये होता ना शैतान घुस जाता है तो दिमाग में नहीं आता है, तो मतलब समझ नहीं आता क्या करें। जब अल्लाह सही रास्ते पर लाता है फिर थोड़ा सा समझ आता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ मैं छोड़ दूँ, पर मन नहीं कर रहा। 365 रील्स इज़ नॉट ए जोक, वो आता है कम से कम 10-20 दिन का वो टाइम आता है, शायद ऐसा ही पूरा मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। 20 दिन आप दिन रात मेहनत करके, नहीं 10 दिन, पता नहीं, शायद ऐसा ही कुछ आ रहा है, तो आप कैलकुलेट करके बताना। 365 रील्स इंटू करना पर रील क्या लगते थे, एक दो घंटे लगते थे, क्योंकि शूट एडिट अपलोड वगैरह दो घंटे लगते थे। तो पूरा ये टाइम जो मैंने डिलीट दिल पर हाथ रख के मैंने डिलीट कर दिया, मैंने कहा चलो ये भी सही है, अल्लाह के रास्ते पर सही जा रहे हैं अब, ठीक है। नमाज में पढ़ता था तो कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर से, तो सोच रहा था अब कुरान के रास्ते पर, तो समझ आ रहा है मैं किस रास्ते पर जाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जल्दी कुछ करेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर हो रहा था अपने दीन के लिए, दीन के खातिर जो आए हम यहाँ पर उसी के लिए मैं आया हूँ इस दुनिया में। तो सब आए मुसलमान, सब इसी के लिए आए, तो इसके लिए आए हम, वो तो कर नहीं रहे हैं, बर हराम को मैं प्रमोट कर रहा था। तो ये था कुछ मेन रीज़न, मेरे से देख के कोई बच्चे मतलब रील्स बना रहे थे, हराम को मैं प्रमोट कर रहा था, तो आँखें खुल गई बहुत टाइम के बाद, ये रीज़न था। तो काफ़ी टाइम, काफ़ी दोस्त मैसेज कर रहे थे या बोल रहे थे कि आपने ऐसे क्यों किया, आपके रील्स बहुत अच्छे थे, मज़ा आता था उनको देखने में, तो आप क्यों मतलब रील्स अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। क्या करूँगे मैं, मतलब जो हलाल म्यूज़िक कंटेंट किया करेंगे, तो व्लॉग्स में भी, वीडियो में भी जो हलाल म्यूज़िक होगा उनको मैं खाली मत डाला करूँगा, बाकी जो हराम म्यूज़िक है उसको मैं फॉर एवर के लिए क्वाइट किया है। तो ये था कुछ मेरे रीज़न, ठीक है। अब मैं जल्दी से वीडियो लाऊँगा क्यों हराम है ये, तो मतलब कुरान में कहाँ पर हराम किया गया, और भी दो तीन बातें जो कि आजकल चल रहा है, कुछ यूट्यूबर्स वगैरह प्रमोट कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए मुझे बात करनी अलग से, इंशाल्लाह अगला वीडियो में डाल दूंगा उस पर। बहरहाल, ये था मेरा रीज़न हराम म्यूज़िक को मैं मतलब प्रमोट कर रहा था, ठीक है, जिसको मैंने अब फॉर एवर के लिए क्वाइट किया। अब आइंदा से आप मेरे वीडियोज़ में कभी हराम म्यूज़िक ना देखोगे। तो अल्लाह ने सही रास्ते पर तौफीक अता फरमाया, दुआ सुन ली है माँ की, पता नहीं किसकी, खैर अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल हो गई है किसी की। तो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं जल्द से मस्त वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।